Hey, hello friends, welcome back to the channel guys and welcome to Mommy J's World. So guys, आज है सैटरडे, श्रावण का सैटरडे जो होता है, श्रावण शनिवार जिसे हम कहते हैं. तो ये सैटरडे संडे बेसिकली ये वीकेंड ब्लॉग प्लस माय जन्माष्टमी ब्लॉग है. तो लेट्स सी आगे आप देखेंगे ही क्या है क्या नहीं है. सो गाइस कम ऑन. तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज है 28th of August और श्रावण शनिवार जैसे मैंने आपको बताया. और ये मुझे ऐसा लगा मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ. ये एक्चुअली आरव के स्कूल का DIY है जो हमने किया था. उसका जो क्राफ्ट होता है, क्राफ्ट नहीं कहते वो लोग इसे, SUPW कहते हैं, बट लाइक आपको समझ में आए इसलिए मैं इजी वर्जन बता रही हूँ कि क्राफ्ट का DIY है. तो ये हमें कोकोनट शेल से बास्केट बनाना था, बट आई विल नॉट यूज इट एज अ बास्केट. तो मैं इसे यूज करूंगी एज अ कैंडल होल्डर. ये हमने एक्रेलिक पेंट से इसे कोकोनट शेल को जो है क्लीन करके, स्क्रेप करके ड्राई किया एंड देन फिर उससे एक्रेलिक पेंट से जो है अच्छी तरह से पेंट किया. अंदर भी मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर यूज किया और बाहर मैंने कैसे क्या किया ना ये सारा कुछ मैं आपको बाद में डिटेल में करके बताऊंगी. सो इवन यू कैन मेक दिस ब्यूटीफुल DIY एंड कीप इट इन योर हाउस. आप इसे एज अ सेंटर टेबल पे, एज अ कैंडल होल्डर रख सकते हो. इट विल लुक ब्यूटीफुल. आप इसमें जो धूप होता है, धूप बत्ती, वो जला सकते हो. ये काफी अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो. और ये आपको जो दिख रहा है ये हम आए हैं मार्केट, एक्चुअली वाशी का जो जनता मार्केट है जहाँ पे मैं आपको दिवाली के वक्त ले गई थी शॉपिंग के लिए. अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ है ये मार्केट, क्या है. एंड तो ये हम आए थे हमारे लड्डू गोपाल जी का सामान लेने, कान्हा जी का सामान लेने. तो उनके लिए नए कपड़े लेने, थोड़े से अच्छे अच्छे ज्वेलरी वगैरह लेने, जो भी रिलेटेड स्टाफ है पूजा से रिलेटेड वो लेने हम यहाँ आए थे, क्योंकि ये नज़दीक है, पास में है. इसीलिए क्योंकि हमें रिटर्न फिर घर पे भी आना था, बिकॉज आज श्रावण सैटरडे है तो भगवान का भोग बनेगा. मेरा मंडे और सैटरडे को फास्ट होता है, श्रावण के सोमवार और शनिवार जो है मैं फास्ट करती हूँ, तो मेरा तो व्रत है. एंड फिर घर जाके फिर मुझे शाम के भूख के लिए सब बनाना है. तो ये हम ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे कान्हा जी के लिए. यहाँ पे मार्केट में 3 से 4 शॉप्स थी अच्छी खासी, मैंने देख रखी थी. तो एंड लकीली वी वर एक्चुअली लकी कि हम सैटरडे आए थे, क्योंकि बिल्कुल क्राउडेड नहीं था, हम बहुत शांति से ले पाए. बट नेक्स्ट डे भी हम बाहर गए थे कुछ काम से फॉर सम अपकमिंग इवेंट्स ऑफ दिस मंथ सितंबर. तो वो आपको व्लॉग्स में आगे दिख जाएगा, तो वो व्लॉग लेकिन मैं थोड़े लेट डालूंगी संडे वाला वो सब, तो आपको पता चल ही जाएगा बाद में. तो उसके लिए हमें संडे जाना था, इसीलिए हमने सैटरडे चूज़ किया कि हमें ये ख़रीदना है सारा कुछ जो, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए. और ये हम रोड क्रॉस करके ना ऑपोजिट लेन पे भी एक मार्केट है आगे अंदर, तो वहाँ पे पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट है. तो फ्रूट्स वगैरह भी हमें ख़रीदने थे फॉर जन्माष्टमी के लिए, तो इसीलिए तो हमने फ्रूट्स वगैरह एंड वेजीज खरीदी वहाँ से. तो घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीदा है, जस्ट आपको एक स्नीक पीक दे रही हूँ यहाँ पे. एक्चुअली हम जब निकले थे ना तो थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी बारिश हुई थी, और हमें लगा था कि अब धूप नहीं निकलेगी, इसीलिए फिर मैंने अरब से कहा था तू ये तेरी स्वेटशर्ट पहन ले, तो हम क्योंकि ठंड होगी फिर अगर बारिश गिरेगी तो उसे ठंड ना लगे इसीलिए. तो फिर बाद में हम जब मार्केट गए तो तब तक तो अच्छी खासी धूप आ गई थी, इसीलिए फिर उसे गर्मी हो रही थी, तो मैं उसे लेके साइड में शेड में खड़ी हो गई गाइस. तो उसके पापा जो है बिले तब तक बिल कर रहे थे, और फिर हम वहाँ से निकले आगे. और फिर ये अरब जो है आप देख रहे हो शुगर केन जूस पी रहा है. एक्चुअली ये शुगर केन जूस इज वेरी गुड फॉर यू एंड वेरी और लोकली बहुत इजीली अवेलेबल होता है, काफ़ी हेल्दी होता है. तो लेकिन प्रिफर इट अभी ऐसे टाइम पे, यू नो, हैव इट इन अ डिस्पोजेबल ग्लास और समथिंग. और फिर हमने ख़त्म करके वहाँ से हम निकले और फिर गाइज हम आ गए घर पे. और ये है बिचारी अबला नारी की सच्चाई, लुक एट दिस. और क्या सन निकला है, ये देखो सनकिस्ट. बट क्या चल रहा है, देखो ये भी देखो, घूम के आओ, फिर करी लीव साफ करो, कोरिएंडर साफ करो, देन मिर्ची साफ करो, बेसन बनाना है तो उसकी दाल भूनो, और यहाँ पे चाय रखी हुई है, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, और ये बैकएंड में काम चालू है, घूम के आना है. पर ये सब काम थोड़ी छूटना है हमें, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है. और ये भी उसी का है, ये भी धोकर अभी जस्ट सुखाया है. ये है ग्रेप फ्रूट पोपलीज जिसे कहते हैं, जिन्हें नहीं पता
कस्टर्ड एप्पल एक फूट चुका था बैग में, तो हमने फटाफट खा लिया उसे वॉश करके। हम सारी चीजों को वॉश करके रखना प्रेफर करते हैं। इसमें से भी यार, इस पे भी शायद प्रेशर आया है तो जूस निकल रहा है। ये ऑलरेडी एक इसमें से भी दो फूट चुके थे और मुझे एक्चुअली अमरूद खाने का मन किया, गोवा तो पेरू, तो इसीलिए मैंने लिया। पता नहीं क्यों ऐसे टेम्पटिंग मुझे लगा तो मैंने लिया। एप्पल्स है उसमें से भी हमने निकाल के खा लिए हैं। और ये जब खोलूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है, बट लाइक हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, इसी सीजन में नॉल अवेलेबल होता है, तो इसीलिए ये लिया है। एंड फिर आपको दिखाऊंगी, आई होप ये पिंक हो, मैंने उसे पूछा नहीं था, बट एक होता है जो अंदर से व्हाइट होता है और एक होता है पिंक होता है अंदर से। अगर पिंक होगा तो वाह, आई विल शो यू, बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है। बट आई नो मैं उसे पूछना ही भूल गया। और ये एक ना स्टार फ्रूट लिया था, मेरे को अरब को चखाना था, इसीलिए मैंने सोचा वो खाएगा या नहीं, इसीलिए मैंने उनसे सिर्फ एक ही पाई किया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम इफ ही लाइक्स आई विल गेट सम मोर, आई लव दिस। तो ये भी धो के सुखा के मतलब सैनिटाइज हो चुके हैं अच्छी तरह से। और ये भी है उसी के साथ, ये सब भी लाए वहाँ से। तो ये स्प्रिंग अनियंस ली थे, आई लाइक ना दिस वन, ये जो क्लीन होता है ना, वो जो गंदे गंदे मिट्टी वाले होते हैं, आई डोंट लाइक दैट। और ये थोड़े से ड्रम स्टिक लिए हैं, भिंडी एंड ऑल्सो दिस ह्यूज बंच ऑफ पालक। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना पालक दाल बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ, बट मुझे पालक की सब्जी पसंद है ज़्यादा तो आई लव पालक की सब्जी। बट ये काफ़ी ह्यूज गड्डी है तो शायद मैं इससे दोनों बनाऊँगी, पालक दाल भी और पालक की सब्जी भी। और फिर गए थे कान्हाजी का सामान लेने और ये सब कुछ लेकर आ गए। ताना जी का सामान ना गाइस मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल इसे रख दिया है, तो रात को शायद मैं उसे क्लीन करके बाहर से सैनिटाइज करके देन आई माइट शो यू। और गाइस ये घर पे आके, जैसे मैंने आपको कहा कि घर पे आके हमें जो है फास्ट की, जैसे मेरा फास्ट है तो उसकी तैयारी करनी है, तो इसीलिए उसी के लिए ये प्री प्रिपरेशन हो रही है। आप देख रहे हो ये मैं कोकोनट स्क्रेप करके रख रही हूँ, फिर बाद में सब फूड में चाहिए होता है, फास्टिंग के वक्त मैं यूज करती हूँ ज्यादातर। स्क्रेपर की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, ट्रस्ट मी इट्स अ सेवियर अगर आप लेना चाहो तो, कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं पे। अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा इवनिंग के भगवान के भोग की थाली गाइस, और इसमें से कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ स्पेसिफिक होंगी उनके इंग्रेडिएंट्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल आज जाएंगे। मैंने स्टार्ट किया है भुना मसाला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, तो ये भुना मसाला यहाँ पे बन गया है मेरा और ये देखिए साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। तो ये इसमें आपको एक रफली फटाफट बता देती हूँ, मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसमें जीरा डाला है, गार्लिक डाला है थोड़ा सा चॉप करके, ग्रीन चिलीज और प्याज डाला है चॉप करके, और फिर उसे सॉटे करने के बाद मैंने इसमें आलू डाले हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली है, और बस आलू थोड़े से हाफ डन हो गए। ये सब्जी मैंने आपको अगेन मार्गशीर्ष के ब्लॉग में दिखाई थी, तो ये जो आप टमाटो दिख रहा है एकदम हल्का सा टमाटो मैंने अभी उठाकर इसमें ऐड किया है भुना मसाला में से, जरूरी नहीं है कि आप करो पर मुझे पसंद है, एकदम हल्का सा लाइक हाफ के बराबर मैं डालती हूँ, तो इतना ही। अदरवाइज लीफी वेजिटेबल में नहीं भी डालोगे टमेटोज तो चल जाते हैं, बट आई लव इट, मैं हमेशा से ऐसी बनाती हूँ एंड आई लव इट। तो गाइज ये बारीक मेथी है यहाँ पर, तो इसे अभी मैं तोड़कर इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भुना मसाला अभी उठा के डाला, मैं जिस अंदाजा बता रही हूँ आपको, छोटा चम्मच मतलब जितना चम्मच ये हम खाते हैं ना वो वाला, और अब मैं इसमें चौपी हुई बारीक मेथी ऐड कर दूँ। तो गाइज आलू डालने का फायदा क्या होता है, आप स्किप कर सकते हो आलू एंड भुना मसाला, बाकी आप सेम रख सकते हो, सिर्फ प्याज ग्रीन चिली एंड ऑल डाल के आप बना सकते हो एंड गार्लिक, बट फिर उससे क्या होता है ना, फिर ये बच्चों को खिलाने में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि फिर अदरवाइज बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में अच्छे चाहते, तो आलू के हेल्प से उन्हें खिला सकते हो आप एंड दे कैन हैव इट, तो ग्रीन वेजिटेबल भी उनके पेट में चली जाएगी एंड फिर वेरी हेल्दी वेजिटेबल गाइस। तो जब भी आपको मिले तो जरूर ट्राई करिए ये लोकल वेजी। गाइस देखिए अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब बस इसमें ना हमें नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग और बाद में स्प्रेड कोकोनट, तो बस इसे अभी स्टीम पे कुक होने देना है, पानी या कुछ ऐड नहीं करना, एक 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 5 से 7 मिनट। ओके गाइस तो अभी मैंने इस पे से लिड हटाया है और ये हमारी सब्जी डन है, इस पे भी मैं अभी फ्रेश कोकोनट ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने फ्रेश कोकोनट ऐड कर दिया है जो ग्रेट करके फ्रिज में रखा था, और यहाँ पे हमारी सब्जी, तो अब मिक्स कर लूंगी और फिर 1 मिनट बस मिक्स करके इसे और रहने दूंगी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि फ्रेश कोकोनट ऐड किया है एंड देन विल स्विच इट ऑफ। अभी सीजनिंग इस वक्त भी चेक कर सकते हो अगर आपने कोकोनट ऐड किया है और नमक कम है तो, एंड देन अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। And guys, even this is done, और इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो गाइज यहाँ पे सेम बर्तन में जिसमें से मैंने अभी भुना मसाला या प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ना दाल, तो इसी में से मैंने इसीलिए प्रेशर कुकर में ही भुना मसाला बना दिया था,
क्योंकि इसी को यूज कर सकूं, तो दैट इज अ टिप, ज्यादा बर्तन नहीं होते फिर वैसे। तो मैंने भुना मसाला निकाल लिया, फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, जीरा, मस्टर्ड सीड्स, गार्लिक, करी लीव्स एंड थोड़ी सी हींग। तो गाइस ये मैंने हल्दी ऐड की है, अब मैं इसमें हमारा थोड़ा भुना मसाला ऐड कर दूंगी, कोरिएंडर ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप करके, ऐसा करने से ना दाल का फ्लेवर और एनहांस होता है, आप ट्राई करके देखिए। तो गाइस इसमें अभी मैंने ये दाल ऐड कर दी है और फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दी है, तो अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, पानी ऐड कर दूंगी और मैं इसकी 3 से 4 विसल कर दूंगी एंड अ दाल इज रेडी। तो गाइस ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसी में थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट ऐड कर दूंगी, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो प्रेशर कुकर खोलने के बाद, मैं अभी ऐड करूंगी क्योंकि आज मुझे जल्दी है ना इसीलिए, और नमक ऐड करना है। ऐसे टाइम पे ये फ्रेश कोकोनट काम आता है, स्क्रेप्ड वाला। तो आप अभी देखिए ये मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो बट लेकिन थोड़ी देर पहले ना फ्रीजर में रखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले से निकाल कर जो है बाहर रखा है, फिर मैं इसमें से थोड़ा सा ऐड करूंगी। ये फ्रेश कोकोनट ऐड कर दिया है मैंने, अब मैं इसमें लिड लगाकर इसकी 3 से 4 विसल कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारा राइस स्टीम हो रहा है और यहाँ पे स्वीट की तैयारी चल रही है। लेट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्वीट नाउ। मेरा फेवरेट लापसी, गुड़ाची लापसी, दैट इज जैगरी से बनेगा, तो हेल्दी है, दलिया है हेल्दी है, तो जैगरी है ऑन टॉप ऑफ इट, तो चेरी ऑन द केक, तो चलिए बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो मोटे बेस वाला मेरा वेसल है उसमें डीप वॉक है, उसमें मैंने जो है घी ऐड कर दिया, ये पहले मैंने थोड़ा ही किया है, मेजरमेंट सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये मैंने 2 टेबलस्पून के अराउंड ऐड किया। अब इसमें मैं लापसी ऐड कर दूंगी, यानी कि हमारा दलिया, बारीक वाला यूज कर रही हूँ मैं, आप बारीक वाला जरूर ट्राई करिए, बहुत ऑसम लगता है, बड़े वाले से मुझे बारीक वाला पसंद है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने 1 कप ऐड किया है मेजरमेंट से, जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना उससे, आप कोई भी मेजरमेंट यूज कर रहे हो आप उसी से बाकी सारी चीजें भी मेजर करिए, यानी कि कोई भी कप, ये अराउंड 250 ग्राम से 1/4 किलो के अराउंड दैट कप, उस कप का मेजर उतना होता है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना गाइस भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। यस, अब ये आपको येलोइश दिख रहा है राइट, ऐसे पेल येलो, तो अब ये बाद में ना व्हाइट टर्न होगा और उसके बाद ये गोल्ड होगा, ओके गोल्डन होगा, तो आपको तब तक इसे भूनना है जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता, गोल्डन नहीं हो जाता। तो गाइज ये 4 से 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो लुक एट दिस, आपको दिख रहा होगा ये देखिए थोड़ी थोड़ी व्हाइट हो गई है राइट, अब ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें बस यही वेट करना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ओके सो गाइज अभी और 5 से 7 मिनट बाद, अराउंड 7 to 8 मिनट बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, तो आप देख सकते हो इसका कलर जो है चेंज हो रहा है, इट्स टू हॉट, तो अभी इट्स वेरी रिस्की, आप इसको टच भी मत करिए हाथ से। ओके नाउ एट दिस स्टेज आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियसली ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको इसमें ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, गर्म पानी ऐड करना है। तो ये मैंने 1 कप लापसी ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अराउंड 3 to 4 कप्स पानी इस पे रखा है, पहले हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। ओके तो अब हम इसमें, आप पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए अगर आप ऐड करना चाहते हो तो, कोई लोग प्लेन पसंद करते हैं, आई विल ऐड बादाम, काजू, चारोड़ी एंड मनक्का। ये मैंने काजू और बादाम ऐड किए हैं, ये काफी गर्म है तो बी केयरफुल, इसे मैं पहले ऐड नहीं करती ताकि ये बहुत जले ना। अब चिरौंजी और थोड़े से मनक्का ऐड किए, ज्यादा नहीं, सीरियसली मुझे मनक्का बिल्कुल नहीं पसंद, आरव की वजह से ऐड करना पड़ता है। तो गाइस 1 मिनट के करीब बस, और इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा हीट होने देंगे और फिर हम इसमें ये गर्म पानी ऐड कर देंगे। आई डोंट नो कैप्चर हुआ है या नहीं, शायद कैमरा तभी मैंने पॉज कर दिया था, तो आई एम नॉट श्योर कि पानी डालते वक्त मैंने आपको दिखाया, तो अभी मैं देख रही थी तो कैमरा पॉज था। तो गाइज ये देखिए पानी ऐड किया है, और अब हम इसे पूरा पानी ऐड नहीं किया है, स्टिल 1 कप अराउंड पानी है यहाँ पे, 1/2 कप, और अब हम इस पानी को रिड्यूस होने देंगे, यानी ये पूरा पानी सोक कर लेगा, उसके बाद अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ अभी इसमें जैगरी ऐड करेंगे। और अब मैं पहले इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, वैसे ये थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दी है और मिक्स करेंगे। इस वक्त इलायची पाउडर ऐड करने का ये फायदा होता है कि पूरे घर में फ्रेग्रेंस आती है, तो आपको पता चलता है कि कुछ मीठा बन रहा है। तो अब आप इस पे लिड रखिए और इसे एक बाफ आने दीजिए, मतलब ये पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, जैसे शीरा में होता है ना वैसे। तो गाइस जब इसका पानी सूख गया है, अराउंड 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तो लो फ्लेम पे है ये, तो अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। गाइस जस्ट लुक एट दिस, आप मिक्स करके देखिए, देखिए अच्छी तरह से कुक हो गई है, लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, आई जस्ट लव द टेक्सचर। और अभी इसमें कोई मजा नहीं है, तो अभी इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ये जैगरी, जो मैंने यहाँ पे कट करके रखा है ऐसी,
तो यहाँ पे मैंने जागरी ऐड कर दिया गाइस। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूंगी। और गाइस आप जागरी टेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने एक से यू नो डेढ़ कप के बीच में ऐड किया है। ओके, आपको इसका कलर देख के भी पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे ये डार्क वाली जागरी ही यूज करिए, इससे कलर काफी अच्छा आता है अपने का। अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद इसका कलर कितना चेंज हो जाएगा। तो गाइस इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इस पे लिड रख के हम इस पे अगेन स्टीम आने देंगे, वापस ये खिली खिली बनेगी और सारी जैगरी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो आप इस स्टेज पे भी ना जैगरी टेस्ट करके, चाहिए तो अगर अपने आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। गाइस ये मैंने अभी लिड हटा दिया है और एक करीब 3 से 4-5 मिनट के बाद, और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ओके गाइस, तो ये देखिए आप लापसी आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमारी जो गुड़ है हमारा वो मेल्ट हो चुका है। आप देख रहे हो इसका कलर कैसे, आपको यही कलर चाहिए। ये जब कलर होगा ना तभी आपकी लापसी कलर से भी पता चलता है कि मीठी है या नहीं और कैसी बनी है। तो गाइज आप इसमें हाफ शुगर हाफ जैगरी भी कर सकते हो, पूरा शुगर भी कर सकते हो, पर अगर आप जैगरी से बना सकते हो देन वाई शुगर राइट। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूंगी। और एक और चीज आपको करनी है लास्ट में यहाँ, तो इनगो सॉल्ट, और एक और बार अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर ऐड कर दी है एंड लुक एट दिस, हमारी लापसी जो है रेडी है। अब एक फाइनल टच, तो गाइस थोड़ा सा जो घी बचा था ना वो पहले जो ऐड नहीं किया था वो अभी इस स्टेज पे ऐड करना है। तो गाइस घी ऐड करने से इसमें एक बहुत ही अच्छा ग्लेज और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस स्टेज पे घी ऐड करने से, तो आप जरूर करिए। तो गाइस ये हमारी लापसी जो है ना वो रेडी है। ओके गाइस, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे काला वटाने की उसल, यानी काला वटाने की सब्जी। ब्लैक जो हमारे पल्सेस होते हैं ये काफी हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन गाइस, तो इंक्लूड करिए इन्हें अपनी मील्स में। जो सब्जी काया वटाने की भाजी, इसे दो तरीके से बना, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ इन फ्यूचर कभी शेयर करूंगी। ये क्विक वाली है, फास्ट में मैं मोस्टली यही बनाना प्रेफर करती हूँ ऐसे टाइप से, मतलब इसी मसाले से, बिकॉज लाइक वो ग्रेवी वाली जो हम ना वो अरब को नहीं पसंद, वैसी वाली जो मतलब बहुत ऑसम होती है, बट स्टिल अरब डोंट लाइक वो कोकोनट वाले मसाले वाली ग्रेवीज, तो इसीलिए मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ। और मैं बहुत पहले से ये बनाती हूँ ऐसी ही, एंड ये बहुत ऑसम टेस्ट करती है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुकर में, इसमें से मैंने दाल शिफ्ट कर ली है और सेम कुकर इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। और अब मैं इसमें, अगर आप चाहो गरम मसाले स्किप कर सकते हो या फिर एक आध कुछ आपको अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाले में स्टार एनीस, एक मसाला इलायची जो बड़ी इलायची होती है वो, दो छोटे दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, दैट्स इट। आप लौंग ऐड कर सकते हो, ब्लैक पेपर मत करिए क्योंकि ब्लैक पेपर और काला वटाना दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो अगर किसी के मुंह में आ जाएगी और किसी को नहीं पसंद तो दे विल नॉट लाइक इट, इसीलिए मैं ब्लैक पेपर नहीं ऐड करती ना ही लॉन्ग ऐड करती हूँ क्योंकि ये इनफ है। तो अब इसमें जाएगा हमारा भुना मसाला, यस। तो गाइस ये मैंने ऐड कर दिया हमारा भुना मसाला और थोड़ा सा ऐड करूंगी। तो आज मैंने आपको रेड इसलिए दिख रहा है, आज मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की है, प्लस टमाटर बहुत ज्यादा रेड भी थे तो बहुत ज्यादा रेड दिखेगा, कुछ मसाला ऐड नहीं किया। रेगुलर भुना मसाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस समटाइम्स ना मैं क्या करती हूँ, बहुत बिजी होता है स्क्रीन तो मैं नेक्स्ट डे लिंक्स डालती हूँ, तो आज सेम डे आपको लिंक जो है नीचे लिंक्स या रेसिपी अगर नहीं मिले तो नेक्स्ट डे जरूर मिल जाएगी। और अगर नहीं होना समटाइम्स इफ मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ओके, तो गाइस ये मैंने भुना मसाला ऐड कर दिया है। आफ्टर एडिंग भुना मसाला मैंने इसमें थोड़े से करी लीव्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। तो गाइस ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी है मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, मतलब ज्यादा ही करिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही अच्छा लगता है। सो गाइस ये देखिए ये हल्दी पाउडर है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो कम्प्लीटली। यहाँ पे गोड़ा मसाला है और इसी के ऊपर रेड चिली पाउडर गिर गई है, और ये है कांदा लहसुन मसाला है कि घाटी मसाला, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स है मसालों की उसमें। तो अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो गाइज आप जब भी स्प्राउट्स वगैरह बना रहे हो ना तो आप ये बेस यूज कर सकते हो ये मसाले, एंड आपकी सब्जी जो है काफी ही रॉकिंग बनेगी, ट्रस्ट मी। अगर आप वो जो हम ग्रेवी बनाते हैं ना मालवनी वाली प्याज और कोकोनट की वो नहीं ऐड करोगे और सिर्फ ये मसाले भी ऐड करोगे तो भी आपकी ग्रेवी और आपकी सब्जी बहुत ऑसम बनेगी, ट्रस्ट मी। मैं जब वो मसाला मालवनी वाला जो ग्रेवी वाला मसाला यूज नहीं करती ना प्याज वाला और कोकोनट वाला, तब मैं ये ऐसे ही ये इसी तरीके से बनाती हूँ सारी सब्जियां। इज नाउ इन गोज हमारे जो शो स्टॉपर है सब्जी के, तो इसे काड़ा वटाना कहते हैं।
तो ये ऐसे ही होता है, ये काला बटाना कहते हैं इसे, बट ये सोक होने के बाद ग्रीन हो जाता है, पहले ये ब्लैक दिखता है। इसे स्प्राउट भी कर सकते हो सोक करके, एक्चुअली मैं सोक करना भूल गई थी ओवरनाइट और फिर सुबह सोक किया था तो अभी इवनिंग में बना रही हूँ, इसीलिए स्प्राउट नहीं किया, अदरवाइज समटाइम्स आई स्प्राउट है। तो आप इसके इसे स्प्राउट करके भी डाल सकते हो। तो अब हम इसे वॉश करके आप इसे ओवरनाइट सोक करेंगे, और लेकिन इसमें ना गाइस इसे नॉर्मली कुक कर सकते हो, बट मैं इसमें 8 अराउंड विसल्स करती हूँ तभी अच्छे से कुक होती है, सोडा या कुछ ऐड नहीं करती, बट 8 अराउंड विसल करती हूँ मैं तभी अच्छे से कुक होती है, सॉफ्ट गलती है। तो अब मसाले हमारे कुक हो चुके हैं, उसमें हम इसे ऐड करेंगे। तो आप इसे पानी के साथ ही ऐड करिए, इसीलिए जब आप इसे सोक करोगे तो अच्छी तरह से वॉश करके 2-3 बार आप इसे सोक करिए। तो गाइस ये देखिए, और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हो, एकदम थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमें इसमें 8 विसल्स करने हैं, इसीलिए मुझे ये छोटा कुकर काम आता है। गाइस नमक ऐड करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कुकर का लिड लगाकर, कुछ सोडा या कुछ ऐड नहीं करना है, बस 8 से 9 आप विसल कर दीजिए। सोक किया है स्टिल, आप अगर आपका क्वालिटी आई डोंट नो, ये मैं जो डीमार्ट से लाती हूँ ना, इसे कुक होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसी यहाँ पे मैंने बारीक मिर्ची को ट्रांसफर कर दिया है, लापसी को ट्रांसफर कर दिया है, दाल को ट्रांसफर कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ प्रेशर कुकर को खोलने का, तो ये सब्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो गाइस लुक एट दिस, ये काले बटाने की जो हमने सब्जी बनाई है ग्रेवी वाली, ये वो है। इफ यू वॉन्ट मोर ग्रेवी यू कैन एड सम वॉटर टू इट। अभी आप चाहो तो इसमें फ्रेश कोकोनट स्क्रेप करके डाल सकते हो और थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर। सो गाइज ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप ये स्किप कर सकते हो कोकोनट वाला। ओके तो आज फेस्टिवल है इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज मैं रेगुलरली नहीं ऐड करती, या फिर जब कभी मूड होता है ना तब ऐड करती हूँ, अदरवाइज एवरी टाइम नहीं करती, एंड इट टेस्ट इक्वली गुड, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। दिस इज द फाइनल रोटी, और यहाँ पे सारी रोटियां रखी हुई हैं, एंड इसके बाद मतलब ये फाइनल अभी पकोड़े तले जाएंगे एंड फिर भगवान का भोग निकाला जाएगा। दिस इज द लास्ट रोटी गाइस एंड इट्स डन। अब मैं पकोड़े तलूंगी एंड भगवान जी का भोग निकाल लूंगी। ओके गाइस, तो ये है आज का मेन्यू एज यू कैन सी। तो ये रोटी, दिस इज राइस, वो जो लीफ डाल के मैं बनाती हूँ वो है, और ये घर का बना हुआ दही, ये एवरी सेकेंड डे मैं बना लेती हूँ घर पे। दाल है, दिस इज बारीक मेथी सब्जी जो मैंने आपको बताया, एंड ये अभी जो मैंने आपसे शेयर की थी वो वाली सब्जी है, काला बट्टा मिर्ची उसल जिसे हम कहते हैं, एंड मिर्ची वड़ा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पास बेसन खत्म हो गया, खत्म इन द सेंस आ गया है मेरे घर पे, पर मैं अभी तक उसे टच नहीं कर रही हूँ, क्वारंटीन है, तो इसीलिए मैंने आज दो ही बनाया क्योंकि खत्म हो गया आटा, एंड पापड़ फ्राई किए, ये होम मेड है इसीलिए मैंने फ्राई किए हैं, एंड दिस इज लापसी, तो आप जरूर ट्राई करिए गाइस। तो ये काया बटाने ची उसर जो मैंने आपको बताई थी अभी, जिसकी रेसिपी शेयर की, जरूर ट्राई करिए। आप चाहो तो इसे थोड़ी पतला भी रख सकते हो, मैं हम लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं। तो गाइस की थाली जैसे कि आप देख रहे हो रेडी है, तो आप भी आपके घर पे अगर कुछ पूजा है कुछ है तो आप ऐसे ही बना सकते हो ये सारी चीजें वैरायटी, इसीलिए मैंने आपको जो है थोड़ी सी थाली के आइडिया मिल जाएंगे, इसीलिए फिर ये रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइज अब मैं व्लॉग को जो है ले जा रही हूँ सीधा आगे, तो एक्चुअली मुझे आपको यही बताना था कि मैंने जो जन्माष्टमी की जो है शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया था कान्हा जी के लिए, और थ्रू आउट द व्लॉग रही है तो आपको पता चलेगा आगे, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ पूजा के वीडियोस पॉसिबली अगर पॉसिबल है तो, और थोड़े से पिक्चर्स जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं कैसे करती हूँ मेरी जन्माष्टमी की पूजा। तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए गाइज। और ये बस ये जो है ये एक मैंने वस्त्र यहाँ से एक ही फ्लोरल सा लेस वाला फैब्रिक लिया है कपड़ा वस्त्र पर, ये एक्चुअली मैंने ये आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, किसी भी ट्रे को डेकोरेट करने के लिए या कुछ भी मल्टीपर्पज होता है, बट ये मैंने मेरे जो साईं बाबा की मूर्ति है ना मेरे मंदिर में, मैंने सोचा उनके लिए वस्त्र की तरह अच्छा दिखे, आई डोंट नो, लेट्स सी फिर मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। एंड देन ये मेन तो ये था जो कान्हा जी के लिए लेने के लिए गई थी, क्योंकि
फिर ये बट देन वंस इन अ ईयर में ये आई प्रिफर बाइंग, जब जन्माष्टमी होती है तो आई बाय दिस। तो ये है एक मुकुट लिया है एंड ये बांसुरी लिया है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी प्रिटी सी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी ऐसे मयूर पंख वाली है, लुक एट दिस, इट्स नाइस एंड ब्यूटीफुल है ना। मतलब इससे अच्छी कुछ नहीं थी वहाँ पे, सारे बेसिक बेसिक से थे, तो भी बहुत बेस्ट वन। तो ये इसके साथ नहीं आई, ये अलग से ली है। और ये एक वस्त्र लिए है, ये वेलवेट कि मुझे वेलवेट का चाहिए था तो ये मैंने ली है। और ये एक और वस्त्र, ये वस्त्र लिए है कान्हा जी के लिए, ये लिया है ऑरेंज वाला। और एक ये ऐसे मोर पंख के जैसे कलर, और ये एक लिया है, ये दूसरा वाला मैं दिखाती हूँ, एक ये वाला है। पहनाऊंगी कौन सा ये नहीं पता, लेट्स सी दोनों में से कौन सा पहनाऊंगी आपको दिख ही जाएगा व्लॉग में। और ये मैंने आपको बताया ना साईं बाबा की मूर्ति के लिए ये खाद लिया है, और एक और ये लिया है रुद्राक्ष वाला। तो बाकी आप सब अभी पूजा में देख लेना। तो देख लीजिए मेरे एक्साइटमेंट लेवल, क्या सोचा था और क्या हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी अपसेट थी यार, सीरियस। और गाइस सैटरडे को काफ़ी हेटिक था ना, तो मैंने रात को शूट नहीं किया था ये वाला पार्ट जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जन्माष्टमी की जो सारी चीज़ें। फिर मैंने इसे संडे जब मैं बाहर जाके आई थी ना, मैंने कहा आपको मैं संडे बाहर गई थी, तो मैं वहाँ पे से जाके जब मैं आ गई रिटर्न रात को फ्रेश होके, फिर मैंने ये पार्ट शूट किया था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी और जब मुझे पता चला मुझे पूजा नहीं करनी, फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बहुत 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 रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने फिर फाइनली थोड़ा सा अग्री किया। तो मैं जस्ट गई और मैंने शावर लिया एंड आई जस्ट केम इनसाइड द बेडरूम, और मैं अंदर ही कॉर्नर में बैठी रही एक कॉर्नर पकड़ के। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप एटलीस्ट फेस्टिवल है तो थोड़ा सा भगवान की पूजा कर लो, क्योंकि अभी तक मैं बाहर कहीं गई नहीं हूँ, तो आप जाके पूजा कर लो और तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगी। तो फिर बहुत मिन्नत करने के बाद फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में अग्री किया इस चीज़ के लिए, अदरवाइज वी डोंट टू पूजा फॉर 5 days। तो फिर मैंने फिर उन्होंने पूजा कर ली हल्की सी, तो मैं आपको वो थोड़े से शॉर्ट मतलब एटलीस्ट भगवान की रेगुलर पूजा कर ली, जन्माष्टमी की नहीं की। पर मैंने उन्हें कहा कि भगवान को आप स्नान करा के फटाफट आप प्लीज़ उन्हें मंदिर में रख स्थापित कर दीजिए और थोड़ी सी पूजा कर ली, क्योंकि फूल भी लाए हुए थे। मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप पूजा कर लीजिए, तो उन्होंने कहा ओके, तो उन्होंने फटाफट किया एंड दिस इज़ हाउ वी मैनेज। तो थोड़े से वो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी मेरी लास्ट ईयर की जन्माष्टमी की पूजा के भी जो मेमोरी पॉप हुई थी, तो उसके भी मेरे पास थोड़े से इमेजेस और थोड़ी सी क्लिप है, तो वो मैं शेयर करूँगी एंड में, तो आप ज़रूर देखिए गाइज। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए गाइज। धीरे धीरे एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करती हूँ, तो सोचा था इस साल और कुछ अच्छा करने वाली थी बट नहीं पॉसिबल हो पाया।